हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेपर फर्स्ट में एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की। इसमें से पांच क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात ये आती है कि एनवायरनमेंट में कौन सी चीज़ करे, कौन सा टॉपिक छोड़े। अब एनवायरनमेंट अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सभी चीज़ें याद रख पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे कौन से टॉपिक करने और कौन से क्वेश्चन करने जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं। दोस्तों एनवायरनमेंट के अंदर मैं उन छः क्वेश्चन की बात करने वाला हूं जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आपके ये बहुत काम आने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे टॉपिक नवीनीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, ठीक है। इसके बारे में दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये जून 2012 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर आप क्वेश्चन नंबर 33 देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है। अब आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होगा कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है। अगर आपको नहीं पता है तो बुक्स वगैरह में काफ़ी अच्छे से दिया, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये दोबारा कहाँ से रिपीट हुआ, कहाँ रिपीट हुआ है। अभी देखिए जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 45, भारत में विद्युत उत्पादन में नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत का प्रतिशत भाग कितना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि एक जो टॉपिक है नवीनीकरणीय ऊर्जा उससे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। अब हम और क्वेश्चन की बात करते हैं इसी में नवीनीकरणीय ऊर्जा से कौन कौन से पूछे गए हैं। अब ये देखिए दिसंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ये देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अंदर इसका आंसर है नमक। और यही मैं सेम आपको दिखाऊँ कहाँ आया है। ये देखिए जून 2012 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसका आंसर है लवण। तो दोस्तों आपको पता है कि लवण और नमक दोनों एक ही चीज़ है, नमक को ही लवण कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। चलिए और दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये देखिए जून 2015 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन प्रकट करता है, ठीक। तो ये फिर से नवीनीकरणीय स्रोत से आ गया, ठीक है। और देखते हैं हम इसमें, देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं दिसंबर 2015 के क्वेश्चन पेपर की, इसके अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 53 और 54 है। 53 के अंदर इन्होंने पूछा हुआ है कि वर्ष 2030 तक नवीनीकरणीय ऊर्जा संस्थापिका क्षमता को कहां तक बढ़ाने की योजना है, यानी कि इंस्टॉलिंग पावर के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है कि भारत सरकार का टारगेट क्या है, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है 54, ये भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। ये दोनों के दोनों एक ही आर्टिकल से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, उसमें देखिए ये देखिए जुलाई 2016 का क्वेश्चन पेपर है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 50, वर्ष 2022 तक बायोगैस से विद्युत उत्पादन हेतु सरकार का लक्ष्य क्या है, इन्होंने भी टारगेट के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। और अब मैं आपको एक वेब पेज दिखाता हूँ, वहाँ से आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया विकिपीडिया का ये पेज है, इस पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन करीब 5 क्वेश्चन आए हैं पीछे। इस पेज को आप पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्या क्वेश्चन बूझ रहे हैं,
ठीक है, तो इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें वो लिखी हुई है, टारगेट वगैरह सारी चीज़ इन्होंने लिखी हुई है। और ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2022 तक जो टारगेट है वो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और सारा ये देखिए दोस्तों, ये यहीं पे मिल ही गया। ये देखिए 10 GW फ्रॉम बायोमास, 5 GW फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो पावर। ठीक है, यहाँ पर सारा सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप इस पेज को अच्छे से पढ़ लेना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ इसी टॉपिक से, कहाँ कहाँ रिपीट हुए हैं। अब देखिए, ये है सितंबर 2016 का क्वेश्चन पेपर। इसमें क्वेश्चन नंबर 44, भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत से कुल विद्युत उत्पादन में सौर ऊर्जा के कितने प्रतिशत भाग को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें कैसे है दोस्तों, टोटल जो लक्ष्य रखा गया है वो 175 GW रखा गया है। ठीक है, और जो सौर ऊर्जा का जो लक्ष्य है उसके अंदर 100 GW है। ठीक है, अब 175 का जब हम 100 GW निकालेंगे तो 57.1% आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, घुमा फिरा के पूछा गया है, बात एक ही है। तो आप वो जो वेब पेज मैंने बताया वो आप ज़रूर कर लेना। अब और देखते हैं इसके अंदर कैसे पूछे गए हैं। अब ये देखिए दोस्तों, यह है जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर। इसके अंदर देखिए, भारत सरकार का लघु जल विद्युत परियोजना से वर्ष 2022 तक पावर उत्पादन का लक्ष्य 5 GW। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, वो विकिपीडिया का पेज, उसके अंदर 5 GW लिखा हुआ था। ठीक है, सभी का अलग अलग लिखा हुआ था, किसी का 100 GW, किसी का 60, किसी का 10 और किसी का 5। तो इस तरह से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप वो ज़रूर कर लेना। अब देखिए, अब हम और देखते हैं। ये देखिए, सितंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर है। सन 2022 तक भारत सरकार की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे संस्थापित करना है, यानी कि इंस्टॉलेशन पावर के बारे में इन्होंने बूझ लिया, इसने भी टारगेट बूझा हुआ है, तो यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट में अगले टॉपिक के बारे में, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, जून 2012 के अंदर क्वेश्चन नंबर 35 है, S&P तिरंगे किसके साथ संबंधित है। ये आपको पता है, भूकंप से रिलेटेड है ये। ठीक है, अब इससे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। ये देखिए, दिसंबर 2012 का क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन नंबर 34 है। इसके अंदर भूकंप के संदर्भ में रिएक्टर स्केल पर परिणाम 1 की वृद्धि का अर्थ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि भूकंपीय तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि। अब और देखते हैं इसके अंदर। ये देखिए, जून 2015 का क्वेश्चन पेपर है, इन्होंने फिर से भूकंप के बारे में पूछ लिया। 51 नंबर क्वेश्चन है, दो भूकंप ए और बी रिएक्टर स्केल पर क्रमशः 5 और 6 का परिणाम देते हैं। ठीक है, उत्सर्जित ऊर्जाओं का अनुपात लगभग कितना होगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है सेम डिट्टो, बिल्कुल 100% सेम यही क्वेश्चन इन्होंने 2000 पहले के जो क्वेश्चन पेपर हुए उनमें पूछा गया है। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और तो दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे बार बार क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं एक ही टॉपिक से, हमें बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए, वो जो मैंने बताया था कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो टॉपिक है, उस वेब पेज से अगर हम कर लेते हैं तो हमारे काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये PDF मेरे से लेनी है तो आप मेरे से ले सकते हैं। मैंने पेपर फर्स्ट से रिलेटेड अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी की इस तरह से अलग अलग PDF बना रखी है, 2012 से लेके 2017 तक, यानी कि एनवायरनमेंट में आज तक जो क्वेश्चन आए हैं वो अलग है, रिसर्च के जो क्वेश्चन आए हैं वो अलग है, टीचिंग के अलग है, इस तरह से करके सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन हैं वो मैंने अलग अलग किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप वो सभी के सभी PDF लेना चाहें तो आप मेरे से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उन PDF की कुछ कॉस्ट हो सकती है, सामान्य कॉस्ट हो सकती है। तो दोस्तों, अगर किसी को वो PDF लेनी है
तो वो मेरे से ले सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप मेरे से ये सभी PDF ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर अगले टॉपिक के बारे में जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। जून 2012 में इसी में ये क्वेश्चन नंबर 32 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्रोत कौन सा है, CFC कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट गैस है। अब देखते हैं हम कि आगे ये किस तरह से रिपीट हुआ है। ये देखिए दोस्तों, दिसंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें क्वेश्चन नंबर 37 है। इन्होंने फिर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्रोत के बारे में पूछ लिया कि कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, फोम उद्योग से ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। अब देखिए दोस्तों, जून 2015 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 53, भारत में हाल ही में प्रारंभ किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक निम्न सम्मिलित नहीं किया गया, तो इसका आंसर है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसके बारे में जितनी भी बातें वो अच्छे से पढ़ लीजिए और ध्यान में रखिए कि इससे रिलेटेड क्या क्या बातें हैं, तो वो क्वेश्चन है कैसे भी पूछ सकते हैं घुमा फिरा के। अब देखिए दोस्तों, पीछे जो क्वेश्चन पेपर हुआ है नवंबर 2017 में, कैसे क्वेश्चन पूछा गया है इससे, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक रूप से उत्पन्न नहीं होती, तो इसका आंसर है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। टॉपिक एक है और उसके आसपास पूछ रहे हैं, घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं एनवायरनमेंट में अगले टॉपिक के बारे में जो बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 है, प्राकृतिक आपदाएं। इन्होंने प्राकृतिक आपदाएं के बारे में पूछ लिया कि कौन सी है इनमें से, ठीक है। इसमें से दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, दिसंबर 2015 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक प्राकृतिक खतरा नहीं है, यानी कि नेचुरल डिजास्टर कौन सा नहीं है इनमें से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 है, रासायनिक संदूषण। अब हम और देखते हैं जो इसी में से क्वेश्चन आया है। अब देखिए दोस्तों, सितंबर 2016 का क्वेश्चन पेपर है ये, इसमें से क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा मौसम संबंधी खतरा है, ठीक है। तो ये नेचुरल डिजास्टर के बारे में ही है, उसके कई तरह के टाइप होते हैं, तो उसी में से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब मैं आपको और भी दिखाता हूँ जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी टॉपिक से। अब ये देखिए दोस्तों, जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है ये, इसमें क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में से कौन सी हाइड्रो मौसमी नहीं है, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के बारे में इन्होंने बूझ लिया, हाइड्रो मौसमी इसका एक टाइप होता है, उसमें से ये क्वेश्चन बूझ लिया। अब देखिए नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर है, 43 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने में निम्नलिखित का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इन्होंने ये पूछा कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों कि प्राकृतिक आपदाओं से किस तरह से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। मोस्टली इसके अंदर उसके टाइप पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी प्राकृतिक आपदा है या नहीं है, तो आप प्राकृतिक आपदाओं के जितने भी टाइप है वो याद कर लीजिए, ठीक है, और उसके इफ़ेक्ट वगैरह वो याद कर लीजिए। यानी कि प्राकृतिक आपदा से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सभी के सभी आप एक बार पढ़ लीजिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर अगले टॉपिक के बारे में जो बार बार पूछा जाता है। अब देखिए इसके अंदर जून 2012 में जो क्वेश्चन आया है, 36 के अंदर ऑप्शन नंबर 4, धारणीय विकास, यानी कि जो सस्टेन डेवलपमेंट होता है उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, जुलाई 2016 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर 49 नंबर क्वेश्चन है, संपोषक विकास का लक्ष्य, यानी कि सस्टेन डेवलपमेंट जो है उसका लक्ष्य कहाँ तक रखा गया है, कौन सी ईयर तक रखा गया है, तो इसका आंसर है दोस्तों 2030।
अब हम आगे देखते हैं ये कहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए दोस्तों, जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है। इन्होंने फिर से सस्टेन डेवलपमेंट के बारे में पूछ लिया, थोड़ा सा घुमा फिरा के इन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप ये टॉपिक भी अच्छे से कर लीजिएगा। दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर कौन से क्वेश्चन और टॉपिक है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो हमें करने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं। मैंने पेपर फर्स्ट से रिलेटेड अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी सेपरेट अलग अलग बना रखी है और आंसर इनके साथ के साथ दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात फिर से मैं आपको बता दूँ कि इन सभी पीडीएफ की कुछ सामान्य कॉस्ट हो सकती है। अगर किसी को लेनी है वो पीडीएफ तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।